बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और ये मेरा दो दिन का ब्लॉग है। मैंने इकट्ठा कर दिया क्योंकि कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बना के आपके लिए एक वीडियो बना ली। तो आज मैं मूली वाले, यानी कि मैं, ये ट्यूसडे का दिन है और मैं मूली वाले पराठे बना रही हूँ, और ये सॉरी आलू के पराठे बना रही हूँ। और इसमें मैंने आलू को क्रश करके और नमक मिर्च वगैरह मैंने इसमें ऐड किया। बस नमक मैंने ऐड नहीं किया, नमक जब भी आलू वाला पराठा बनाने लगे तो उस टाइम पे ऐड करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। साथ मैंने सिंपल रायता बनाया है, और इसके अंदर मैंने धनिया पुदीना हरी मिर्चें लाल मिर्ची ज़ीरा थोड़ा सा गरम मसाला, मतलब स्पाइस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं अगर आपने कम या ज़्यादा करने हैं। और इसके साथ मैंने लाल मिर्चें, बस नमक मैंने उस टाइम पे ऐड किया जब मैंने पराठा बनाना है। यकीन मैंने बहुत क्रिस्पी क्रंची बनते हैं, अगर हम नमक पहले ऐड कर लें तो वो फिर इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आती। और आलू का पराठा जब भी बनाएं इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो मटेरियल आप बना के रख रहे हैं ज़्यादा देर मत रखें, क्योंकि जो फिर जो आलू होते हैं ना वो सौगी से हो जाते हैं और वो फिर मज़ा नहीं वो आता, उनमें क्रिस्पीनेस नहीं रहती। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आज आपको बहुत अच्छी एक रेमेडी बताने लगी हूँ फॉर डार्क सर्कल्स के लिए, कि जिन लोगों के डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। और ये अगले दिन का मेरा व्लॉग है, ये है ट्यूसडे सॉरी वेडनेसडे का, यानी आज का है ये मेरा। और इसमें मैं बना रही हूँ मसर चावल। ये मैंने मसर लिया है, तकरीबन एक कप मैंने मसर लिया है, दो कप में मैं इसको हल्दी डाल के बॉईल कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि बग़ैर प्रेशर के मैं बना रही हूँ, तो जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे तो फिर मज़ीद इसमें पानी डाल के मैं तकरीबन चार गिलास पानी मैं इसमें और डालूँगी, और साथ ही मैं नमक मिर्च काली मिर्च और हल्दी डाल के इसको पकाऊंगे। जब ये अच्छी तरह से बन जाएंगे तो फिर इसको मैं देसी घी बटर कुछ भी जिसका भी आप तड़का लगाना चाहें, लहसुन अदरक के साथ मैं इसका तड़का लगाऊंगी। और बाद में तड़के के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन 4 to 5 tablespoons इसमें मैं इमली का पल्प यानी पानी ऐड कर दूँगी, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बड़ा यम्मी और क्रिस्पी बनता है। और ये देखें मेरा लंच रेडी है, आप भी अपने लंच को खाएं, मैं भी इंजॉय करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं अब आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने लगी हूँ फॉर डार्क सर्कल्स के लिए, ये बहुत अच्छी रहा और इफ़ेक्टिव रेमेडी है, यकीन माने जिस चीज़ ने इस्तेमाल की उनको बहुत फ़ायदा पहुँचा है। आप इसको बना के घर पर रख भी सकते हैं, तकरीबन ये 15-20 दिन आपके, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो 15-20 दिन ये बड़े आराम से रह जाएगी। कोशिश करें कि इसको शीशे के कंटेनर में रखें। बहुत से लोगों को शिकायत होती है हमने बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, और अमूमन हम लोग करते भी हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें डार्क सर्कल्स के लिए, लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें एलोवेरा जेल आपने ले ली, फ्रेश ले लें, बाज़ार की ले लें, जौन सी भी आप मर्ज़ी ले लें। बादाम का तेल इसमें ऐड करना है, वाइटामिन ई कैप्सूल्स ऐड करने हैं, पेट्रोलियम जेल ऐड करनी है, और ग्रेसलीन ऐड करनी है। एलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल तकरीबन आपने 1/4 टेबल स्पून ऐड करना है, पेट्रोलियम जेली 1/2 चाय का चम्मच आपने ऐड करनी है, ग्रेसलीन के आपने 4 to 5 drops ऐड करने, और वाइटामिन ई यानी इवियन के कैप्सूल आपने 2 ऐड करने। इनको आप अच्छी तरह से मिक्स करके एक थिक सा पेस्ट, एक क्रीम बन जाएगी। इसको आप किसी भी कंटेनर में रख लें, और रोज़ रात को आप इसको अपने फिंगर के साथ लगा के और हल्का सा मसाज करके थोड़ा थोड़ा सा अपनी फिंगर से इसको बहुत सॉफ्टली आपने प्रेस करके यानी दबाना है, हल्का सा मसाज करना है। यकीन माने एक महीने के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपके सारे डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे, और बहुत आपको इफ़ेक्टिव ये रेमेडी रहेगी। ज़रूर आजमाइएगा, बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इस रेमेडी को ओवरनाइट आप अपनी आंखों पे रखें, नहीं तो कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे ज़रूर रखें, लेकिन जब इस्तेमाल करनी है तो चूल्हे और सूरज से परहेज़ कीजिएगा। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, ज़रूर आजमाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि मेरी रेमेडी आपको कैसी लगी। स्पेशली जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं भी हैं, थोड़े थोड़ी आंखों में कालापन भी आ गया, तो उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। चलते चलते एक बात कहूँगी, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी अच्छी रेसिपीज़ और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ कोई नहीं बताता। फिर ना कहना हमें नहीं किसी ने डार्क सर्कल्स की रेमेडी बताई, यार मैंने बता दी है, अब बनाना और लगाना आपका काम है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मैंने खुद आजमाई हुई है, मेरे बहुत से व्यूअर्स ने आजमाई हुई है, तो ही मैंने आपके साथ शेयर की है।
और जो इनको शेयर कर लें, इस्तेमाल कर लें, प्लीज़ अपना कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है उसमें मैं एक वाइटनिंग स्क्रब आपके लिए लेके आ रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वाइटनिंग स्क्रब। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।